सोलन में जनाड़ू यूथ कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। यूथ कार्निवल का मुख्य उद्देश्य सोलन में पर्यटन को बढ़ावा देना और यहाँ के टैलेंट को मंच प्रदान करना है। ये कार्निवल 2 दिनों तक चलेगा और इसमें पड़ोसी राज्यों के युवा भी भाग लेंगे। कार्निवल में युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सोलन में आज से जनाड़ू यूथ कार्निवल का आयोजन होगा। ये जानकारी जनाड़ू पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। यूथ कार्निवल का मुख्य उद्देश्य सोलन में पर्यटन को बढ़ावा देना और यहां के टैलेंट को मंच प्रदान करना है। ये कार्निवल 2 दिनों तक चलेगा और इसमें पड़ोसी राज्यों के युवा भी भाग लेंगे। कार्निवल में युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं सर्पीली पगडंडियों पर साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए जनाड़ू यूथ कार्निवल के संयोजक अभय ने बताया कि उनका कार्निवल 2 दिनों तक चलेगा, जहां एक और रैप बैटल का आयोजन होगा। वहीं सुप्रसिद्ध गायक भी इस कार्निवल में लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं रविवार को फन बाइक रैली और साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये आयोजन नदी के किनारे किया जाएगा और विशेषता ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैले और ना ही वातावरण दूषित हो। हम लोग टीम जनाड़ू से हैं। इस 13-14 अप्रैल को हम आप लोगों के लिए एक जनाड़ू यूथ कार्निवल ला रहे हैं, जिसके मेजर एलिमेंट्स रहेंगे। 13 को हमारे पास लाइव अकूस्टिक नाइट है, जिसमें बहुत अच्छे और उमदा कलाकार हमारे पास परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। और 14 को एक मेला रहेगा, जिसमें एक बाइकर्स रैली है। सोलन शिमला चंडीगढ़ से बाइकर्स और साइकिलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद एक ओपन माइक है, लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का एक स्टेज प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद एक रैप बैटल है। गली बॉय मूवी के बाद रैपर्स काफ़ी सारे आए हैं इस क्षेत्र में, तो एक उनके लिए रैप बैटल और उसके बाद हमारी क्लोजिंग सेरेमनी रहेगी। ये सारे का सारा जो हम कार्निवल करा रहे हैं, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली कार्निवल रहेगा। इसमें हम 100% नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से हम इस इवेंट को कैरी आउट करेंगे। पर्यटकों के लिए ये रहेगा कि वो किसी दूर क्षेत्र से आ रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ लोकेशन है वो बिल्कुल नदी के साथ में एक बैम्बू हट है और कैंपिंग है। साथ में जो संगीतकार आ रहे हैं वो काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, तो वो एक अच्छा एंटरटेनमेंट सोर्स रहेगा पर्यटकों के लिए और सोलन के लोगों के लिए। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।